नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। नए साल पर नए नियम होंगे लागू और कुछ पुराने हो जाएंगे बंद। ईपीएफ, एटीएम और एसबीआई के नए नियम लागू, रोजमर्रा की जिंदगी में पड़ेगा असर। जनरल बिपिन रावत ने देश के पहले रक्षा सेवा प्रमुख सीडीएस के रूप में कार्यभार संभाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेनाओं का आधुनिकीकरण रक्षा सेवा प्रमुख की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर फैलाई जा रही है भ्रांतियां। बुद्धिजीवी वर्ग ने कहा, पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देने से किसी के अधिकार में नहीं पड़ेगा कोई असर। और प्रदेश भर में नए साल का अलग अलग अंदाज में किया गया स्वागत। नववर्ष पर मंदिरों में हुई विशेष पूजा अर्चना, वहीं नववर्ष की पूर्व संध्या पर लोगों ने मनाया जश्न। अब खबरें विस्तार से। नए साल पर कुछ नए नियम लागू होंगे और कुछ पुराने बंद हो जाएंगे। इनमें आधार, एटीएम और इंश्योरेंस जैसी चीजें भी शामिल हैं। आइए जानते हैं 2020 से क्या क्या बदल रहा है, कौन कौन से नए नियम लागू होने वाले हैं। ऑफ इंडिया ने अपने कैश निकालने के तरीके में बड़ा बदलाव किया है। 10,000 रुपए से ज्यादा की कैश ट्रांजैक्शन पर रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक एटीएम से कैश निकालने के लिए आपको बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया ओटीपी बताना होगा और ये नियम अब नए साल से लागू हो रहा है। तो वहीं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के नए नियम यानी ईपीएफ के नए नियम लागू हो रहे हैं। इसके तहत अब जिन संस्थानों में 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, वो भी ईपीएफ के दायरे में आएंगे। राष्ट्रीय राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से टोल वसूली शुरू हो चुकी है। 15 जनवरी से सभी गाड़ियों पर फास्ट टैग जरूरी होगा। बिना टैग वाली गाड़ियां अगर इस लेन से जाएंगी तो दोगुना टैक्स देना होगा। 1 जून 2020 से इन नियमों को लागू किया जाएगा। पुराने कार्ड के आधार पर ही उपभोक्ता को राशन मिल सकेगा, साथ ही किसी भी दुकान से राशन खरीदने की छूट होगी। योजना के तहत एक जगह से दूसरी जगह जाने पर कार्ड के लाभ के लिए नए राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये ऐसे नए नियम हैं जो इस नए साल से लागू हो जाएंगे, जिस पर हम सबको गौर करना जरूरी है। जनरल बिपिन रावत ने आज नवगठित चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पदभार संभाला। पदभार ग्रहण करने से पहले जनरल रावत ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जनरल बिपिन रावत 65 साल की उम्र पूरी होने तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर बने रह सकते हैं। गौरतलब है कि सीडीएस अत्यंत महत्वपूर्ण पद है, जिसका काम तीनों सेनाओं के बीच तालमेल करना होगा। इसके साथ ही सीडीएस रक्षा मंत्री के लिए प्रधान सैन्य सलाहकार की भूमिका निभा आएंगे। वे सेना के तीनों अंगों थल सेना, वायुसेना और नौसेना के एकीकृत सैन्य सलाहकार के रूप में काम करेंगे। हालांकि सीडीएस के पास कोई मिलिट्री कमांड नहीं होगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो टास्क कटआउट है वो है तीनों सर्विस को एकजुट होकर सक्षम बनाना और हम इसी तरफ कार्रवाई करते रहेंगे। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहूंगा कि इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक साथ टीम वर्क करते हुए कार्रवाई करेंगे। सीडीएस जो है उनके ऊपर नियंत्रण रखेगा, लेकिन कार्रवाई जो होगी वो टीम वर्क के जरिए होगी। ऐसे नहीं होगा कि अपने निर्देश के हिसाब से सीडीएस किसी फोर्स को चलाना चाहेगा। उसको जैसे बताया गया है इंटीग्रेशन की जरूरत है, उससे हमें क्या क्या हासिल हो सकता है। सबसे पहले तो हमें तीनों सर्विसेज जो हैं उसका 1+1+1 का जो जोड़ आता है उसको 3 नहीं बनाना है, उसको 5 या 7 बनाना है। तो यू हैव टू अचीव मोर थ्रू सिनर्जी एंड इंटीग्रेशन। ये मकसद है जो सीडीएस को जिस तरह से टास्क दिया गया है। नवनियुक्त चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने जनरल रावत को आगे के कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। रेलवे ने नए साल पर रेल किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो आज से प्रभावी
हो गई है। ये वृद्धि अधिकतम 4 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से की गई है। इसमें लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों पर बड़ा असर होगा, लेकिन पहले से बुक कराई गई टिकट पर इसका असर नहीं पड़ेगा। उपनगरीय और ट्रेन के किराए को भी इस बढ़ोतरी से बाहर रखा गया है। नॉन एसी द्वितीय श्रेणी के किराए में 1 पैसे प्रति किलोमीटर वृद्धि की गई है। स्लीपर क्लास में भी 1 पैसे प्रति किलोमीटर वृद्धि की गई है। वहीं प्रथम श्रेणी के किराए में भी 1 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। रिजर्वेशन और सुपरफास्ट चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कैटरिंग चार्ज में भी किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देने से किसी के अधिकार में कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बात समाज के वो प्रबुद्ध लोग कह रहे हैं जिनका असर समाज और भावी पीढ़ी पर पड़ता है। ओंकारानंद राजकीय महाविद्यालय देवप्रयाग में कार्यरत प्रोफेसर वीडी पांडे ने नागरिकता संशोधन अधिनियम की वकालत की है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों में धर्म के नाम पर प्रताड़ित और शरणार्थियों को नागरिकता देने में विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने समय समय पर उन्हें देश में शरण दी है। एक्ट जो है सिटीजनशिप किसी का छीनने की बात नहीं है। कोई भी धर्म के अपने भारत में जो भी सिटीजन्स हैं वो तो रहेंगे ही, लेकिन एडिशनल उसके अतिरिक्त जो है पड़ोसी देशों में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, सिख हैं, ये सब जो है क्रिश्चियन हैं, और जो है उनको जो है आमंत्रित किया जा रहा है ताकि जो है उनको नागरिकता दिया जाए। बृहद रूप से बताना होगा, इसकी जो है इसकी विशेषताओं को बताना होगा, लोग को समझ में आ जाएंगे तो समझ जाएंगे कि भाई ये जो विध्वंसकारी चीजों से कोई लाभ होने वाला नहीं है। हम जो है राष्ट्र हैं, यहाँ तोड़फोड़ करेंगे चाहे ये सब करेंगे तो देश को क्षति होगा, नुकसान होगा ना, इसलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये शिक्षित करना जरूरी है। इस मुद्दे पर जो है चर्चा होनी चाहिए। महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि इस अधिनियम से वर्षों से देश में रह रहे शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी, जिससे उन्हें भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। कि ये भारतीय नागरिक को किसी भी तरीके से किसी भी पॉइंट ऑफ से कोई भी परेशानी नहीं है, उसकी ना नागरिकता दी जा रही, बल्कि ये नागरिकता देने वाला बिल है। यहाँ पर हम कब कह रहे हैं कि ये नागरिकता छीनने वाला बिल है, ये तो नागरिकता आपको दे रहा है। तो इस तरीके से और जो काफ़ी समय से रह रहे हैं इसमें कट ऑफ लाइन दी गई है, और इसमें अभी तो आप जिस तरीके से बताया जा रहा है उसमें कागज मांगे जाएंगे उनसे 2014 से जो यहाँ रह रहे हैं उनसे, तो उनको अपने एविडेंस देने पड़ेंगे। इस तरीके से सीधे नागरिकता थोड़ी मिल जाएगी। जो सरकार हर चीज़ गवर्नमेंट का जो भी रूल्स आता है वो कानून के दायरे में आता है और उसमें कुछ ना कुछ नियमावली बनाई जाती है। आप सीधे ला के कहीं से भी कोई भी अल्पसंख्यक आ जाए तो उसको सीधे आ जाए, सीधे नागरिकता थोड़ी मिलेगी। नागरिकता तो तभी मिलेगी ना जब वो अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरे करेगा। देहरादून में रूसा के सलाहकार पद पर कार्यरत प्रोफेसर MSM रावत ने कहा कि ये अधिनियम किसी की नागरिकता छीनने वाला नहीं बल्कि देने वाला है। ऐसे में हमें अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जरूरी है सिटीजन अमेंडमेंट जो लाए हैं, और हम कहते हैं हर किसी को स्वागत करना चाहिए। इसमें कहीं कोई बात नहीं, किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं है, किसी उसमें नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो माइनॉरिटीज़ बाहर रह रही हैं हिंदुस्तान की हमारी नेबरिंग कंट्रीज में, उनके लिए जो है जब वहाँ पर ये प्रताड़ित होते हैं तो कहीं ना कहीं उनको असाइलम लेना पड़ता है, तो कौन सेंटर है, कहाँ जाएंगे वो, तो उनके लिए थोड़ा सा रास्ता खुल चुके हैं, वो भी उनके लिए हैं जो कि पहले आ चुके हैं। तो इसलिए इसका जो भ्रम फैलाया जा रहा है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का जगह जगह लोगों द्वारा या किसी विशेष वर्ग द्वारा, वो अच्छी बात नहीं है, और इसको हमको सब लोगों को स्वीकार करना चाहिए और ये भी मानना चाहिए कि किसी के अगेंस्ट नहीं है। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि वे नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में दिल्ली में अफवाह फैला रहे हैं। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि दिल्ली और देश भर में इस कानून के बारे में भ्रांतियों के बाद हिंसा फैली तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खामोश बनी रही। शांत शहर में नागरिकता कानून पर जानबूझकर माइनॉरिटी के मन में संभ्रम पैदा करके जो अशांति का माहौल तैयार किया और जो सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ, उसके लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिम्मेवार है।
श्री जावड़ेकर ने कहा कि भाजपा दिल्ली में आगामी चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिस्पना नदी के उद्गम क्षेत्र कैरवान गांव का भ्रमण किया। मौके पर उन्होंने गत वर्ष इस क्षेत्र में किए गए बृहद वृक्षारोपण के तहत लगाए गए पौधों की स्थलीय जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2018 में इस क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण कर 75,000 से अधिक विभिन्न प्रजाति के वृक्षों का रोपण किया गया था। उनमें से 90% पौधों का जीवित होना सुखद एहसास दिलाता है। उन्होंने इन पौधों की देखभाल में लगे लोगों और स्वयंसेवी संस्थाओं की भी सराहना की। मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों को इस क्षेत्र में एक पट्टी में खस की रोपाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि खस की जड़ें गहराई तक जमीन के अंदर रहती हैं, जिससे जल संचय में भी मदद मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रारंभिक चरण में रिस्पना और कोसी नदी को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद अन्य नदियों को भी पुनर्जीवित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर क्षेत्र के बच्चों से भी मुलाकात की और उन्हें वृक्षारोपण के महत्व के बारे में बताया। प्रदेश भर में नए साल का अलग अलग अंदाज में स्वागत किया जा रहा है। नववर्ष पर मंदिरों में आज विशेष पूजा अर्चना की गई, तो वहीं नववर्ष की पूर्व संध्या पर होटल, रिजॉर्ट्स और रेस्तरा में लोगों ने पार्टियां आयोजित की। 31 पर मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश और नैनीताल में पर्यटकों की संख्या में काफी इजाफा हुआ। नए साल के स्वागत को लेकर यहाँ पर्यटन कारोबारियों ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग पैकेज बनाए थे। वहीं रामनगर के कॉर्बेट रिजर्व टाइगर पार्क में स्थित रिजॉर्ट्स में भी पर्यटकों के लिए खास इंतजाम किए गए थे, जिनका पर्यटकों ने जमकर लुत्फ उठाया। वे यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, वेदर बहुत प्लेजेंट है और यहाँ पे थीम रखी गई है पायरेट्स एंड जंगल थीम, जो बहुत अच्छी है और सारे स्नैक्स वगैरह हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। और हम लोग का भी 3-4 days का स्टे है जो हम लोग यहाँ पे करेंगे और वेदर तो बहुत यहाँ पे प्लेजेंट है, बहुत ही खुशनुमा है। खास दिन भर काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई थी, इस समय हल्की हल्की ठंड लग रही, जिसे हम रियली में इंजॉय करने आए हैं। और यहाँ पर इस समय अभी हमने एक म्यूज़िकल फंक्शन देखा है, यहाँ पर डीजे नाइट चल रही है और अभी यहाँ पर एक जंगली प्रोग्राम था जो एक अपने आप में इनका एक यूनिक है, जहाँ पर अपने जो इनके कलाकार आए हैं मुँह से आग निकाल के दिखा रहे हैं, तो काफ़ी बहुत ही अच्छा इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक अपने आप में एक यूनिक एक्सपीरियंस है जो हम बहुत लंबे समय के बाद इंजॉय कर रहे हैं। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आया हूँ। वहीं पर्यटकों की संख्या बढ़ने से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल रहे हैं। पर्यटन कारोबारियों ने बताया कि इस बार लगभग सभी होटल और रिजॉर्ट्स पर्यटकों से पैक रहे, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिली है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष पर शुभकामनाएं दी हैं। सभी प्रदेशवासियों को वर्ष 2020 मेरी सबको शुभकामनाएं हैं, उनके जीवन में नया साल नई समृद्धियां नई खुशियां लेकर आएंगे। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी को लेकर मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सचिवालय में अधिकारियों की बैठक ली। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने विभिन्न खेल विधाओं के आयोजन के लिए चयनित स्थलों के अवस्थापना विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा यदि निर्माण के प्रारंभ में ही कोई परिवर्तन होना है तो उसमें संशोधन कर लिया जाए, ताकि धन और समय का समुचित उपयोग हो सके। मुख्य सचिव ने कहा कि जिन कार्यों में स्वीकृतियां प्रतीक्षित हैं उन्हें तुरंत TAC से अनुमोदित कराकर प्रस्ताव शासन को भेजा जाए। उन्होंने राष्ट्रीय खेलों से संबंधित विभिन्न कार्यों के निर्वहन के लिए गठित 18 समितियों से कार्य योजना तैयार कराने के निर्देश दिए। खेल सचिव ब्रजेश संत ने बताया कि भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा 34 खेल की विधाओं को प्रतियोगिता के लिए चिन्हित किया गया। वहीं बैठक में सभी खेलों के लिए चयनित आयोजन स्थलों की वित्तीय और भौतिक अद्यतन प्रगति की समीक्षा भी की गई। टिहरी में ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग NH-94 कुमार खेड़ा के पास पहाड़ी दरकने से बाधित हो गया। नरेंद्र नगर पुलिस और SDRF के द्वारा मार्ग को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 94 पर कुमार खेड़ा के पास पहाड़ी दरकने से सड़क पर भारी मलबा आ गया, जिसके कारण मार्ग बाधित हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलने पर मौके पर प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे। पुलिस और SDRF राजमार्ग खोलने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
नए साल पर नए नियम होंगे लागू और कुछ पुराने हो जाएंगे बंद। ईपीएफ, एटीएम और एसबीआई के नए नियम लागू, रोजमर्रा की जिंदगी में पड़ेगा असर। जनरल बिपिन रावत ने देश के पहले रक्षा सेवा प्रमुख सीडीएस के रूप में कार्यभार संभाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेनाओं का आधुनिकीकरण रक्षा सेवा प्रमुख की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर फैलाई जा रही है भ्रांतियां। बुद्धिजीवी वर्ग ने कहा, पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देने से किसी के अधिकार में नहीं पड़ेगा कोई असर। और प्रदेश भर में नए साल का अलग अलग अंदाज में किया गया स्वागत। नववर्ष पर मंदिरों में हुई विशेष पूजा अर्चना, वहीं नववर्ष की पूर्व संध्या पर लोगों ने मनाया जश्न। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।